जी आया नू आगे तुसी ओ जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बैठ के बड़े ध्यान से मेरा प्रोग्राम देखते हैं आपका प्रोग्राम है ये भाई नाम तो पता ही है तरवन तड़का और मैं भाई आपका प्यारा होस्ट हरपाल सिंह सोखी क्या बना रहा हूँ आज बना रहा हूँ दही वाले छौके आलू तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं ये लो जी ये है मेरे पास आहा ये है उबले हुए आलू अच्छा इनके छिलके उतार के मैंने रख दिया इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे लेकिन उसके पहले कुछ और करना है क्या करना है जी ये शुरू कर लेते हैं ये लीजिए ये जो वॉक रखा है मैंने इसमें तेल ये डाल दिया तेल तेल जब तक गर्म होता है ये मेरे पास प्याज इसको बारीक काट लेते हैं ठीक है जी प्याज का जो ये हिस्सा है ये निकाल लेना है ये देखिए अक्सर लोग ये यूज़ कर लेते हैं यूज़ नहीं करना आपने इसको निकाल लेना उसके बाद बारीक स्लाइस करना है इसके साथ साथ अदरक वो चॉप करना हमें ये देखिए चॉप भी करना चॉप कर लिया अब अदरक तैयार प्याज तैयार और साथ ही साथ आहा तेल भी गरम क्या करना है जी हींग एक चौथाई छोटा चम्मच हींग ये लीजिए एक चम्मच जीरा आधा छोटा चम्मच राई ये डाल लीजिए साथ ही साथ ये सूखी हुई लाल मिर्चें ये लाल मिर्चें तोड़ के ये डाल ली हमने भून लेते हैं इसको लाल मिर्चें भी पकनी चाहिए ये देखिए अब फूल गई हैं जैसे ये देखिए ये फूल गई है और क्रिस्पी हो गई है अब फटाफट ये जो अदरक है चॉप किया ये डाल लेता हूँ एक और चीज़ डालनी है वो भी मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा वरना मेरा ये जो मसाला है ये जल जाएगा ये यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ हैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेके इन्हें सिर्फ इस तरह से दबा लेता हूँ मैं ये देखिए ये दबा ली और ये सारी इसके अंदर ये लीजिए अब इन सभी को बढ़िया तरीके से भून लेते हैं भून जी ये जब तक भूनता है एक और काम करना है काम क्या जी ये मेरे पास है दही ये इतना सा ही दही लेना है मुझे बस और इसमें एक छोटा चम्मच मैदा बस ये डाल लिया मैदा और इसके साथ साथ यहाँ मैं डालूँगा लगभग 2 कप पानी बढ़िया तरीके से फेंट के ये रख लेता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ देख लेते हैं ये देखिए क्या बात है लहसुन भी हल्का सा भून गया है कलियाँ जो है थोड़ी सी ब्राउन हो गई है जब इस तरह से क्रिस्प हो जाए तब क्या करेंगे तब जी ये जो कटे हुए प्याज है ना ये डाल दिए ये लीजिए यहाँ पे हल्के से प्याज भून जाए उसके बाद मसाले डाल लेंगे तो हल्का सा प्याज का पसीना छूटे तब तक आलू जो है वो काटना हमें ये देखिए आलू उबले हुए आलू इसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े ये देखिए इस तरह के टुकड़े आपने काटने हैं तो सारे उबले हुए आलू इस तरह से काट लें ये आलू कट गए प्याज भी हल्के से भून गए हैं यहाँ पे ये देखिए क्या बात है अब इसमें थोड़ा सा धनिया ये लीजिए ये धनिया डाल लिया धनिया को हल्का सा भूना है और फिर एक बार बेलन चला दिया कुछ और चीज़ें हैं मेरे पास ये जी हल्दी एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी डाल ली आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और ये हल्का सा भूनना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हल्दी जो है वो कच्ची ना रहे अब ये सब चीज़ें तैयार
यहाँ पे ये जो दही है ये डाल लिया मैंने, ये लीजिए इसमें। आ हा हा हा, ये देखिए क्या बात है। इसे अच्छी तरह से स्टर करते रहें। अब इसमें उबाल आ गया है, ये देखिए बढ़िया तरीके से। इसमें अब मैं डाल लेता हूँ ये उबले हुए आलू के, ये लीजिए। आ हा हा, इतने बढ़िया। अब थोड़ी सी चीजें मिसिंग है ना, वो डाल लेते हैं। वो जी मैं भी सोच रहा हूँ कि एनर्जी कहाँ गायब हो गई, तो अब एनर्जी डाल लेते हैं इसमें भाई। नमक शमक, जी हाँ, तो नमक शमक डाल देते हैं। नमक शमक बिल्कुल ध्यान से डालें, ये बिल्कुल तैयार है। फाइनली यहाँ पे एक और चीज मैं सोच रहा हूँ, ढेर सारी है यहाँ पे, तो वो डाल देता हूँ। ये जो है पुदीना, ये पत्ते ले लिए, और ये देखिए इस ग्रेवी में डाल दिए, क्या बात है। ये डिश जो है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल मज़ेदार, तैयार सर्व करने के लिए। ये देखिए, हाँ हाँ, क्या बात है। ये लीजिए, और मैं इसे ये थोड़ा सा पुदीना, और आ हा हा, छौके दही वाले आलू एकदम मजे से खाएं। और जी तुसी होने कम करो, अरे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लो। तो तुसी क्यों पीछे रह रहे हो जी, तुसी भी अरे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लो, तो नाल नाल रीकैप देख लो जी आप हैं। छौके दही वाले आलू, सामग्री एक कप दही, 3 आलू उबले छीले और मोटे टुकड़ों में कटे हुए, 2 बड़े चम्मच तेल, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच राई, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च तोड़ी हुई, 2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 8 से 10 लहसुन की कलियां हल्की मसली हुई, 1 छोटा चम्मच मैदा, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 छोटे चम्मच सूखा धनिया हल्का भुना और कुटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार, 25 से 30 पुदीने के पत्ते। इसे बनाने के लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। अब इसमें हींग, जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च डालकर भून लीजिए, अदरक डालकर भून लीजिए, लहसुन हल्का मसल कर डालकर अच्छे से भून लीजिए। एक बाउल में दही, मैदा और 2 कप पानी डालकर अच्छे से फेंट लीजिए। लहसुन की कलियां ब्राउन होने पर कढ़ाई में प्याज डालकर भून लीजिए, सूखा धनिया डालकर मिला लीजिए, हल्दी पाउडर और आमचूर पाउडर डालकर मिला लीजिए। अब दही का मिश्रण डालकर धीमी आंच पर लगातार घुमाते हुए पका लीजिए। उबाल आने पर आलू डालकर मिला लीजिए, नमक डालकर मिला लीजिए, कुछ पुदीने के पत्ते डालकर मिला लीजिए। बचे हुए पुदीने के पत्तों के साथ सजाकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए।